सोलन में आज उपनेता प्रतिपक्ष और शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश भर में पुलिस भर्ती मुद्दे पर चल रहे विवाद को लेकर कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से लेकर अब तक हर भर्ती प्रक्रिया में या तो धांधली हुई है या फिर वो कोर्ट में विचाराधीन है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली से प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य आज खतरे में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि आज 75,000 युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। चौहान ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीएम कार्यालय के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। वहीं चौहान ने सिरमौर के एक नेता का नाम लिए बिना उसे दलाल करार देते हुए कहा कि वो नेता भी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में शामिल है और भाजपा के ही नेता युवाओं के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस के पेपर लीक हुआ है और ये पेपर कई लाखों में बिका है, जिसमें पुलिस के उच्च अधिकारी इन्वॉल्व है और जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो ADGP लेवल का अधिकारी होता है, पहली बार IG लेवल का अधिकारी है और उसका जो पास्ट है किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो खुद अपने आप जो है लॉ के पेपर में नकल करते हुए उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, पेपर बिका है, SIT बनाई है, मगर SIT जो है वो क्या अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? और हम मांग करते हैं कि जो ये उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो CBI को सौंपनी चाहिए ताकि जो ये सब लोगों को पता लगे कि भी क्या है, और इस कोशिश को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो आरोप है उत्तर मुख्यमंत्री के ऑफिस में कुछ लोग जो है अधिकारी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे दलाल जो है, जो सिरमौर का भी एक दलाल है और जगह के भी दलाल जो है वो पेपर बेचने का जो है काम किया है। पेपर कहाँ से लीक हुआ? पेपर तो DGP ऑफिस से पुलिस हेडक्वार्टर से लीक हुआ है, और जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे उनको पुलिस हेडक्वार्टर से क्यों हटाया गया ये भी उनकी तरफ उंगली अंकित करता है। आज हिमाचल प्रदेश के जो DGP हैं वो 2 महीने की छुट्टी पे क्यों चले गए? क्या हिमाचल प्रदेश में नए DGP की तलाश की जा रही है? क्या हिमाचल प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनके ऊपर आरोप है आए हैं, उनमें क्या कारोबार है, भ्रष्टाचार का आरोप है, उनमें क्या है? बहुत सारे इश्यूज हैं। ये सरकार जो है दलालों की सरकार है, चाहे भ्रष्टाचार, वन माफिया, ट्रांसफर माफिया, शराब माफिया जो है बहुत उच्च स्तर पे है और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।